हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर गाइस फाइन एब्सोल्युटली वेरी गुड। आठ बज गए हैं, आठ, और हम लोग ऑलमोस्ट रेडी है जाने के लिए स्कूल पे। बच्चा पार्टी भी रेडी है, सब यहाँ पे देखो बहुत बढ़िया मात्रा में रेडी हो चुके हैं। गाइस भाई साहब ना अभी जूते पहन रहा है, सो आठ बजने में अभी दो मिनट बाकी है, लेकिन ऑलमोस्ट आठ ही बज ही गया है अभी। और आज है हनुमान जयंती, सो हनुमान उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को एंड आपकी फैमिली को भी। एंड और एक दूसरा भी सरप्राइज है आज, वो ना हम बताएंगे, दोपहर को बताएंगे। और उसके बाद हर्षिल एंड आयुष ने, हनुमान जयंती है आज, तो एक गीत की ना कड़ी उन लोगों ने प्रैक्टिस की है, तो वो लोग गाएंगे। तो वो ना अभी गाना है हर्षिल, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम, रनिंग आउट ऑफ टाइम है, सो होप सो दोपहर को 3 बजे आएंगे, उसके बाद में ये सारी वो जो कड़ी है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो कंटिन्यू व्लॉग में तक रहना। और वो कड़ी भी है, और भी एक सरप्राइज है, वो भी दोपहर को पता चलेगा क्या सरप्राइज है। सो बी कंटिन्यू व्लॉग में एंड तक रहना, आज की सरप्राइज बहुत ही बढ़िया है। और बस चलो अभी निकलते हैं और रास्ते पे कंटिन्यू करते हैं। आई होप सो अगर मैं वॉक करने के लिए जाऊंगी तो हमारी फ्रेंड ग्रुप को मिलाऊंगी, स्पेशली जागृति बहन, मनसा बहन, वो दोनों तो होते ही है, और एक सिस्टर इन लॉ है वो यूजुअली होते हैं लेकिन अभी नहीं है, वो भी बाहर है, सो आएंगे तब वो मिलेंगे। सो फिलहाल के लिए हम तीन तो है, सो अगर जाऊंगी सो सबको मिलवाऊंगी, सभी कंटिन्यू व्लॉग में देखना। सो जी गाइस देखो घर में पूरा बखेड़ा पड़ा है और हम लोग अभी निकल रहे हैं, आने के बाद सारा कुछ करेंगे। और ये भाई साहब देखो उसको पता चल गया है कि क्या सरप्राइज है, सो सरप्राइज क्या है पता चल गया है। सो भी अभी मैं शाम को बताऊंगी ना, 3 बजे के बाद बताएंगे कि सरप्राइज क्या है। तो जी गाइस हम लोग आ गए हैं दर्शन करने के लिए, आज ना हनुमान जयंती है तो यहाँ पे है राम जी का मंदिर। तो दे सो गाइस हमारा दर्शन हो गया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा, मन प्रसन्न हो गया है। और आज तो क्या ही बताऊं मैं ना, हाँ पहली बार आए हैं, वो भी इतने शुभ दिन पे आए हैं हम लोग। हम यूज तो यहाँ से वॉक करके जाते हैं लेकिन फिर भी नहीं आते थे, लेकिन वो क्या आज कहते हैं ना, दिन भी है, हाँ, और आज अजीत बहन का बर्थडे भी है, हाँ, तो मेरा इनको विश कीजिएगा, दुआएं दीजिएगा और इनकी वो वीडियो बहुत वायरल हो, बहुत वायरल, ऐसी काम ना करेंगे हम। यस ये और मनीषा बहन ना मेरी पुष्या लेके जा रहे हैं आगे आगे, देखो छोटे भाई साहब को लेके आई थी दर्शन करने के लिए, स्पेशली दर्शन के लिए यहाँ तक मैं आ गई थी, और अभी वॉक भी हो जाएगा, सोचा यहाँ तक आ गई हूँ तो चलो अभी आ जाए, थोड़ी कंपनी दे देती हूँ। यस अच्छा लगेगा, स्पेंड करना। और कुछ नया कुछ क्या है आज, नया में कुछ है, नया कुछ पढ़ा तो था, ओ अपने जियान को वो गीत आता है ना, भारत का बच्चा उछाड़ा, पहली कड़ी से आता है उसका, हर घर में हाँ तो हाँ 11 बजे पर हर्षित भाई नहीं मिले पशु तो ऐसा करना का, हाँ ऐसा करेंगे तो फिर तो हर्षित को आयुष को मैं घर पे ले लूँगी और जियान को, हाँ मैं ये लोगों ने 11 बजे ना हम लोग बाहर मिलेंगे तब वो ले लेंगे, तो उन लोगों को ना वो छोटी सी कड़ी है बहुत ही बढ़िया है, और मेरा बच्चा गाता है हमेशा, तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है,
और वो पहले से मेरी मम्मी थी ना यहाँ पे, तब से उसको स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनाए थे। आप आज इधर आ जाओ। हाँ, स्पिरिचुअल सॉन्ग सिखाए थे उसको, सिखाए मतलब जब भी वो छोटा था तो तब से। हाँ, टीवी के पास वो बिछा के घर देती थी, तो उसको कृष्ण भगवान के गीत बहुत अच्छा लगते हैं मेरे बच्चे को। मैं तो चाहती हूँ कि हर माँ अपने बच्चे को ये सिखाए, हमारा ट्रेडिशनल रिलीजन के बारे में सब कुछ सिखाना चाहिए और सब कुछ आना भी चाहिए बच्चों को, आना भी चाहिए हर माँ, और अपने अपने रिलीजन की जानकारी बच्चे को देनी चाहिए, सभी को, सभी धर्म, सभी धर्म की बहनों माता पिता पेरेंट्स को देनी ही चाहिए। नहीं, मंदिर गया था तो आप जो निकला वो करवा। एक ही नाम मुझेगा तेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय श्री राम बोलेगा, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो एवरीवन, हेलो 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 हेलो, हाय कर दे जियान, जियान तेर मम्मी ने हाय कर दूँ। हेलो हेलो मम्मा, हेलो मम्मा, चिप्स खावा हेलो के, चिप्स खाया करो, खाया करे तो चिप्स खाया करे। बच गए हैं, साढ़े सवा पाँच हो गए हैं और मैं हो गई हूँ फ्री और यहाँ गई हूँ गार्डन में। बच्चा पार्टी खेल रहे हैं घर में, और जैसे कि मैंने बताया था कि मैं दोपहर को सरप्राइज बताऊँगी, सो दोपहर को सरप्राइज बताने का रही ना, कुछ सरप्राइज ऐसा रहा ही नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने ना मेरी फ्रेंड को बता दिया कि आज कुछ है, कि आज खास है कुछ। सो मेरी फ्रेंड ने बता दिया कि आज ना मेरा बर्थडे है, हैप्पी वाला, मेरा ना हैप्पी वाला बर्थडे है टुडे। सो मेरे साथ साथ मम्मी का भी हैप्पी वाला बर्थडे है, ओपन क्या, मेरे साथ मम्मी का भी हैप्पी वाला बर्थडे है। सो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे टू मम्मी जी एंड टू मी, एंड और भी कुछ खास है, राम जी का भी बर्थडे है, सो आज है हनुमान जी। हमारे साथ साथ आज ना राम जी का भी बर्थडे है, हनुमान जी का बर्थडे है, तो सुबह सुबह मॉर्निंग में अच्छे से दर्शन करके आ गए थे। सुबह इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन अभी शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ है, और दोपहर को भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, क्योंकि मैंने ना वीडियो में देखा था कि जो मंदिर पे हम गए थे ना, उस मंदिर पे बहुत सारी भीड़ हो गई थी आज। तो आज ना सब लोग दर्शन करने के लिए जाते, तो यूजली इतनी भीड़ नहीं होती है, लेकिन जब ऐसा कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो मंदिर पे जाते हैं, दर्शन करते हैं, वो भजन सुनते हैं वहाँ पे। लेकिन हम लोग वहाँ पे भजन में नहीं बैठे थे, भजन सुबह सुबह नहीं शुरू हुआ था, और सुबह सुबह ना वो हवन वगैरह कुछ चल रहा था वहाँ पे, सो वो सारी विधि चल रही थी वहाँ पे। सो हमने तो दर्शन किया और उसके बाद निकल गए वापस, फिर वॉक करते हुए वापस घर पे आए। सो 9:30 हो गए थे, घर का काम तो वैसे ही मैं छोड़ के गई थी, 9:30 आई, उसके बाद सारा काम किया। और अभी बच्चा पार्टी यहाँ पर है, सो बच्चा पार्टी ना एक भी हनुमान जी का एक दो लाइन की कड़ी गाने वाले हैं, सो आप लोग को सुनना, अगर कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करना, नहीं अच्छा लगा तो भी चलेगा। सो बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है वो दो कड़ी की भी। वेलकम एंड बच गए है पौने दस, ऑलमोस्ट 9:45 होने वाला है। मैं आई हूँ अभी बाहर से, सो मैं ना खाने के लिए गई थी, खाने का इनविटेशन था आज ना, हनुमान जयंती है तो खाने का प्रोग्राम रखा था। सो मैं ना प्रसाद लेके आ गई हूँ वहाँ पे, गई थी मेरे काका के घर पे, सो आई अभी, और उसके बाद अभी सब लोग गए है, सब लोग खा के वापस आ गए थे। सो हस्बैंड जी ने सब बच्चे को लेके आ गए थे, और अभी सबको सोला भी दिया है, आवाज़ कोई किसी की भी नहीं आ रही है, सब लोग सो गए हैं। सो आज ना मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे जो हर्षिल एंड आयुष ने जो गीत की कड़ी प्रैक्टिस की थी, आज मुझे टाइम नहीं मिला है, लेकिन कल की वीडियो में मैं ज़रूर वो ट्राई करूँगी, कि ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो उन दोनों ने वो जो कड़ी गाई है ना, रिहर्सल की है, सो वो मैं कल आपके साथ शेयर करूंगी। सो आज के व्लॉग अभी यहीं पेन कर देती हूँ,
आई होप आपको अच्छा लगेगा. सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. कल मिलते हैं नए ब्लॉग में एंड स्टे हैप्पी हेल्दी एंड बाय.